मध्य प्रदेश के सागर जिले में राहतगढ़ नगर की अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के तत्वावधान में भारत रत्न लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144वीं जन्म जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जीवन पटेल ने कहा कि हम सभी हमारे प्रेरणा स्रोत सरदार पटेल के आदेशों पर चलने का संकल्प लें और समाज को जागरूक बनाए जाने की पहल करें, जिससे समाज का उत्थान हो सके। प्रदेश अध्यक्ष गिरधर कुमार ने कहा कि हम सभी समाज के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए अपने बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने एवं समाज में जन जागृति लाने के लिए एकजुट हो तथा सामाजिक कुरीतियों को भी मिटाए। साथ ही अन्य अतिथियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा राष्ट्रीय एकता, समाज सुधार एवं देश के प्रति दिए गए योगदान के बारे में संबोधित किया। जयंती के अवसर पर समाज बंधुओं द्वारा मुख्य मार्गों से विशाल बाइक रैली निकाली गई। साथ ही नगर में सरदार पटेल की प्रतिमा लगाए जाने एवं सामुदायिक भवन बनाए जाने की मांग को लेकर तहसीलदार RN चौधरी को ज्ञापन सौंपा। राहतगढ़ से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। सब लोग जाएंगे, ये समाज का काम है। समाज के लिए आज कोई हमारे लिए काम नहीं करेगा तो कल हम लोग भी उनके लिए काम नहीं करेंगे। आपने मांग कर रखी, मांग प्रतिमा भोपाल तिगड्डे में प्रतिमा के लिए और सरकारी जगह देख के वहाँ पर विशाल धर्मशाला के लिए हम लोगों ने मांग रखी है और शासन और प्रशासन से हम लोग यही मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी मांगें स्वीकृत करें। अगर किसान की रोटी है तो कुर्मी का निवाला है, तो कुर्मी का निवाला है। कुर्मी जब पसीना बहाता खेत में, कुर्मी जब पसीना बहाता खेत में तो उपजाऊ बनाता है। जब सींचे खून से खेतों को, जब सींचे खून से खेतों को सरकारें गिराता है, सरकारें गिराता है। इनका मान सभी है, किसे क्या चाहिए वो तो बस माँ ही समझती है। बस सारों तक प्रदूषित हो गया माहौल, प्रदूषित हो गया माहौल। किसान का सरकारों तक राम हो राम वाला प्रशासन न हो, देश ऐसा बनाने दुशासन न हो। मैं किसान का बेटा हूँ जिसे कुर्मी ने पाला है। अगर कुर्मी की रोटी है तो किसान का निवाला है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।